प्यारे दोस्तों, अगर आप अर्थशास्त्र में तटस्था वक्र विश्लेषण और तटस्था वक्र समूह यानी तटस्था वक्र से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और मैं आपका अपने YouTube चैनल विक्की की पाठशाला में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको अध्याय 3 यानी तीसरे चैप्टर की शॉर्ट समरी बताऊंगा जो कि सितंबर टेस्ट और एनुअल टेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। और तटस्था वक्र पर ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं तटस्था वक्र को यानी इनडिफरेंस कर्व को समझाऊंगा इस वीडियो में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अच्छा लगने पर लाइक शेयर और कमेंट, और विक्की की पाठशाला पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके सपोर्ट की विक्की की पाठशाला को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सपोर्ट अस। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं थोड़े से मेन पॉइंट्स कि जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपभोक्ता संतुलन का तटस्था वक्र विश्लेषण, फिर हम पढ़ेंगे उपयोगिता की संख्यात्मक अवधारणा, फिर उपयोगिता की कर्मवाचक अवधारणा, तटस्था समूह, तटस्था वक्र, तटस्था वक्र का ढलान, तटस्था मानचित्र, बजट समूह, बजट रेखा की कीमत रेखा, और ऐसे ही मैं ये एक बजट रेखा या कीमत रेखा का ढलान या उपभोक्ता अपना स्टीमीकरण चयन तब प्राप्त करता है यानी उपभोक्ता संतुलन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये सारे के सारे बिंदु अगर आप समझना चाहते हैं तो वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहें। तो अब हम थोड़ा सा आपको बेस बताएंगे, क्योंकि ये जो मैं समरी समझा रहा हूँ आपको, तो मैं थोड़ा सा पहले बेसिक पे ध्यान दिलवाता हूँ आपका। आप थोड़ा सा बेस पे ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि उपभोक्ता क्या होता है। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, ये उपभोक्ता कौन होता है? मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये बताया है कि उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपनी सीमित आय को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु तथा सेवाओं पर व्यय करता है। तो मैंने इसकी तीन बातें बताई थी। उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपनी सीमित आय को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, यानी आवश्यकता की पूर्ति बोलूँ या आवश्यकता की संतुष्टि बोलूँ, वस्तु तथा सेवा पर क्या करता है? व्यय करता है। बहुत ही सिंपल। तो मैंने आपको बता दिया कि उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपनी सीमित आय को वस्तु तथा सेवाओं पर इस प्रकार मतलब व्यय करता है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। अब दूसरी बात हमें समझना पड़ेगा कि उपभोक्ता संतुलन क्या होता है। उपभोक्ता संतुलन मैं थोड़ा सा बेस आपको समझाना चाहता हूं ताकि आप इस चैप्टर की थीम को समझ पाए। अब मैं आपको समझाता हूं कि उपभोक्ता संतुलन क्या होता है। बहुत ही सिंपल। अगर एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को वस्तु तथा सेवा पर इस प्रकार व्यय करे यानी इस तरीके से व्यय करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, यानी संतुष्टि तो प्राप्त हो बट कैसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, तो तब एक उपभोक्ता क्या होता है? अपने संतुलन स्तर पे होता है। अब तीसरा बेसिक चीज ये समझिए कि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपभोक्ता संतुलन को कैसे प्राप्त करते हैं, हम कैसे जानते हैं, वो कौन सी दो सिद्धांत हैं जिनके आधार से हम उपभोक्ता संतुलन को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो पहली, देखिए, अगर आपको ये बात तो क्लियर है कि अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि उपभोक्ता संतुलन वहीं पे प्राप्त होता है जहां पर एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को वस्तु तथा सेवाओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, यानी अधिकतम संतुष्टि यानी उपयोगिता, अधिकतम उपयोगिता मिलती है, ये बात की बात कर रहा हूं। तो हमें उपयोगिता यानी यूटिलिटी, मैंने आपको बताया भी था पिछले पार्टों में कि उपयोगिता किसी वस्तु किया वह गुण, वह शक्ति या वो क्वालिटी यानी गुण होता है जो किसी आवश्यकता को संतुष्ट करता है। और आपको पता है कि एक उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाओं का जो
उपभोग करता है वो किस लिए करता है, उपयोगिता प्राप्त करने के लिए, और उपयोगिता के ही हिसाब से हम उपभोक्ता संतुलन की प्राप्ति करते हैं। तो उपयोगिता की दो अवधारणाएं हैं, दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। पहला है उपयोगिता की गणनावाचक अवधारणा, या मैं इसे कह सकता हूँ संख्यात्मक अवधारणा, जिसमें उपयोगिता को हम ये मान लेते हैं कि संख्याओं के रूप में मापा जाता है। मान लीजिए अगर मैंने कोई समोसा खाया तो उसकी जो उपयोगिता मिली मुझे इस मान्यता पर आधारित होता है, ये मान्यता है इन दोनों कि उसको हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10। यानी उपयोगिता जो एक उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा को ग्रहण करने के बाद मिलती है, उपयोगिता प्राप्त होती है उस वस्तु से या उस सेवा से, तो वो उपभोक्ता उसे संख्या के रूप में व्यक्त कर सकता है। ये उपयोगिता की पहली अवधारणा है। इसे हम गणनावाचक या संख्यात्मक अवधारणा या विश्लेषण कहते हैं। इसमें जो मैंने सेकेंड चैप्टर आपको पढ़ाया था उसमें मैंने उपभोक्ता संतुलन उपयोगिता विश्लेषण जो बताया है, वो उपयोगिता विश्लेषण का मतलब ये है कि उसमें गणनावाचक अवधारणा को बता रखा है, क्योंकि वहाँ पे ये मान्यता थी कि वहाँ पे उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा का ग्रहण करता है तो वो जो संतुष्टि उसे मिलती है उसे वो उपयोगिता के रूप में व्यक्त कर सकता है और संख्या भी बता सकता है, यानी संख्या बता सकता है। दूसरी जो आज हम पढ़ेंगे इस पूरे टॉपिक की जो मेन थीम है कि भाई उपभोक्ता संतुलन को प्राप्त करने की दो अवधारणाएं हैं, यानी दो दृष्टिकोण है। पहला है गणनावाचक या संख्यावाचक और दूसरी है हमारी क्रमवाचक। ये क्रमवाचक क्या है, देखिए इसे हम कार्डिनल बोलते हैं इंग्लिश में, कार्डिनल, और इसे हम ऑर्डिनल बोलते हैं। देखो कार्डिनल तो नंबर होते हैं और ऑर्डिनल नंबर नहीं होते हैं, यानी ऑर्डर होता है एक तरीके से। तो ये जो क्रमवाचक है ना, आज हम इसमें पढ़ेंगे कि उपभोक्ता संतुलन का जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो क्रमवाचक अवधारणा से करेंगे। इसी के अंतर्गत हम तटस्था समूह, तटस्था वक्र, कीमत रेखा, कीमत समूह, ये सब पढ़ेंगे। तो आपको मैंने अभी ये थीम समझाई है, अब मैं आपको ब्रीफ समरी समझाता हूँ, अब आपको देखना बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि उपभोक्ता संतुलन का तटस्था वक्र विश्लेषण। देखिए जब भी हम उपभोक्ता संतुलन की अवधारणा को क्रमवाचक अवधारणा से प्राप्त करते हैं, जो प्रोफेसर, ये बात आप याद रखेंगे कि प्रोफेसर हिक्स ने ये बात कही थी, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये जो तटस्था वक्र विश्लेषण है इसके जो निर्माण करता है वो है प्रोफेसर हिक्स, आप याद रखना ये बात। तो इसको मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको समझाता हूँ, अब आपको देखिए सारी बातें समझ आएंगी, जरा ध्यान देना। सबसे पहले उपभोक्ता संतुलन का तटस्था वक्र विश्लेषण उपयोगिता के क्रमवाचक माप जो उपयोगिता की तुलना की अनुमति प्रदान करता है पर आधारित है। देखिए ये उपयोगिता के क्रमवाचक माप यानी क्रमवाचक अवधारणा, मैंने बताया आपको अभी कि उपभोक्ता संतुलन की अवधारणा को दो तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, एक तो गणनावाचक और एक क्रमवाचक। गणनावाचक में उपयोगिता को हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, जबकि कहते हैं उपभोक्ता संतुलन की उपयोगिता की जो क्रमवाचक अवधारणा है इसमें हम संख्या के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं, हम केवल ये मानते हैं कि हम तुलना करते हैं। पहले की स्थिति में अब क्या है, अच्छा हो सकता है, अधिक संतुष्टि प्राप्त हो सकती है, कम हो सकती है, या फिर समान संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। तो हम यहाँ पे केवल क्रम को निर्धारित करते हैं, क्रम में क्या आ सकते हैं, 3 आ जाएंगे, अधिक हो सकती है, कम हो सकती है, या फिर समान रह सकती है संतुष्टि, यानी हम केवल तुलना करेंगे दो स्थितियों के बीच में। तो देखिए अब आपको ये समझ आ गया होगा कि उपयोगिता के क्रमवाचक माप जो उपयोगिता की तुलना की अनुमति प्रदान करता है पर आधारित है। आपको ये बात क्लियर हो गई। अभी मैंने आपको बताया कि जो क्रमवाचक माप है, जो क्रमवाचक अवधारणा है, यानी जो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट है,
उसमें हम केवल जो यूटिलिटी प्राप्त होती है एक एक उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा को ग्रहण करने के बाद, हम उसे संख्या में नहीं व्यक्त करते हैं, हम उसको कर्म के रूप में व्यक्त करते हैं। या तो हम कहते हैं, हम तुलना करते हैं, या तो अधिक संतुष्टि प्राप्त हुई है पहले की कंपैरिजन में, या कम प्राप्त हुई है, या फिर समान प्राप्त हुई है, इसे हम कर्म कहते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए दूसरी, जबकि उपभोक्ता, जबकि मांग का उपयोगिता विश्लेषण उपयोगिता के संख्यात्मक माप, यानी जो उपयोगिता को 2, 4, 6, 8 जैसी इकाइयों में मापने की अनुमति देता है, पर आधारित है। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि उपभोक्ता संतुलन को प्राप्त करने की अर्थशास्त्र में दो अवधारणाएं हैं, दो कॉन्सेप्ट है। एक तो कार्डिनल, जो उसमें हम उपयोगिता को संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एक है ऑर्डिनल, जिसमें हम संख्या को कहते हैं, जिसमें हम उपयोगिता को संख्या के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं, हम केवल उसे कर्म में सजाते हैं। हम ये कहते हैं क्योंकि अधिक प्राप्त हुई है या कम, या फिर ये जो प्रोफेसर हिक्स था, इसने जो कोई उपभोक्ता होता है और उसको किसी वस्तु या सेवा को खाने के बाद जो उपयोगिता प्राप्त होती है वो संख्या के रूप में व्यक्त कर सकता है, इन्होंने इसे गलत कहा था। क्योंकि ऐसा संभव नहीं लगता कि अगर मैंने कोई बाजार से वस्तु या सेवा खरीदी है और उसका उपभोग करने के बाद मैं उसका एग्जैक्ट एक अमाउंट बता दूं, फिगर बता दूं आपको कि भाई मुझे इस समोसा खाने के बाद या जलेबी खाने के बाद या दूध पीने के बाद या कुल्फी खाने के बाद मुझे इतनी इतनी यूटिलिटी मिली है, तो ये तो संभव नहीं है। हाँ, इतना जरूर इन्होंने कहा कि भाई संख्या के रूप में तो व्यक्त नहीं किया जा सकता, बट हम उसे कर्म के रूप में सजा सकते, यानी क्या, हम ये बता सकते हैं कि इस वस्तु को मैंने पिछली बार खाया था तो अब खाया तो मुझे अधिक संतुष्टि मिली या कम संतुष्टि मिली या फिर समान संतुष्टि मिली। यानी इनका मानना था कि किसी उपभोक्ता को कोई वस्तु या सेवा का ग्रहण करने के बाद जो उपयोगिता मिलती है उसे संख्या में व्यक्त करना मूर्खता है और इसको हम केवल कर्म में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये इन्हीं की मेथोलॉजी पे डिपेंड है टटस्था वक्र विश्लेषण। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि उपभोक्ता संतुलन के दो आधार हैं और मैंने वो दोनों आधार आपको समझा दिए। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टटस्था समूह क्या होता है। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात, मैं इसकी टेबल के माध्यम से आपको समझाता हूँ, बुक में दे रखा है। मैं इसको बहुत ईजी तरीके से आपको समझाता हूँ। टटस्था समूह जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है। अब आप देखिए टटस्था समूह क्या होता है और टटस्था वक्र क्या होता है। मैं यहाँ पे तालिका बन रखी है तो मैं इस तालिका को समझाता हूँ। देखिए टटस्था समूह क्या होता है। देखिए टटस्था समूह का मतलब है कि दो वस्तुओं के उन सभी संभव संयोगों को प्रकट करता है जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि का स्तर देता है। तो देखिए यहाँ पे एक सबसे मेन बात, यहाँ पे दो वस्तुएं हैं, एक है सेबों की संख्या और एक है संतरों की संख्या। उपभोक्ता क्या कर सकता है, एक सेब और 10 संतरे प्राप्त कर सकता है, या फिर दो सेब सात संतरे, सी पे 3 सेब 5 संतरे, फिर डी पे भाई सिंपल सी बात 4 सेब और 4 संतरे। तो इनमें से अगर वो कोई सा भी कॉम्बिनेशन यानी कोई सा भी संयोग प्राप्त करता है जो अपनी वो आय से खरीद सकता है, तो इन सभी में जो संतुष्टि मिलेगी ना एक उपभोक्ता को, भले उपभोक्ता ए को चुने, भले उपभोक्ता बी को चुने या सी को या डी को, मतलब जो उसको ग्रहण करने के बाद यानी सेब और संतरे खाने के बाद जो उसको उपयोगिता प्राप्त होगी ना, ना तो वो अधिक होगी ना ही वो कम होगी, वो समान होगी। याद रखिए उपयोगिता समान रहेगी। इन ए बी सी डी इन चारों संयोगों में से कोई सा भी संयोग अगर वो चुनता है, कोई भी कॉम्बिनेशन अगर वो चुनता है, तो उसकी जो संतुष्टि का स्तर होगा ना वो समान होगा। ये बात आपने याद रखनी है। अगर मैं ए करता हूँ, अगर मैं अपनी फैमिली के लिए 1 सेब और 10 संतरे ले जाता हूँ, तो मैं और मेरी फैमिली मिलके अगर वो खाएगी तो हमें समान संतुष्टि मिलेगी, भले बी भले सी भले डी, यानी इसमें संतुष्टि का जो स्तर है वो समान है। यानी टटस्था समूह क्या है, बहुत ही सिंपल, टटस्था समूह दो वस्तुओं के बीच उन सभी संभव, ये संभव है उसके पास इतनी आय है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, वो 15 संतरे नहीं खरीद सकता, क्लियर है, इतनी ही आय है उसकी, प्लीज आय के हिसाब से आप देखिए। तो टटस्था समूह
उन सभी संयोगों को प्रकट करता है जो दो वस्तुओं के बीच सभी संभव होती है। यानी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया तो मैं ऐसे कहूं बहुत आसानी से कि तटस्था समूह उस समूह को प्रकट करता है जिसमें एक उपभोक्ता के उन सभी संयोगों को प्रकट किया जाता है जिससे उसे एक समान संतुष्टि का स्तर प्राप्त होता है। सबसे मेन बात है समान संतुष्टि का स्तर। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये यहाँ पे डेफिनेशन में लिख रखी है, इसको देखिए। यह उन दो वस्तुओं के संयोगों का समूह है जो उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करते हैं। इसलिए उपभोक्ता अपने तटस्था समूह के सभी संयोगों के बीच तटस्थ है, यानी बीच है। तो देखिए, मैंने अभी आपको ये बात समझाई कि तटस्था वक्र क्या होता है। यानी तटस्था वक्र का मतलब है दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को कहते हैं जो एक उपभोक्ता को क्या देता है, समान संतुष्टि का स्तर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि तटस्था समूह क्या होता है, अब बात करते हैं कि तटस्था वक्र क्या होता है। अब ये तटस्था वक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना। देखिए तटस्था वक्र क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात, बहुत ही सरल सी बात है। देखिए अगर मैं इसी के माध्यम से इस टेबल को अगर डायग्राम बना दूं तो ये क्या बन जाएगा, तटस्था वक्र बन जाएगा। यानी अगर हम तटस्था समूह को रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण यानी आलेख पर दर्शाएं तो ये क्या कहलाएगा, ये तटस्था समूह कहलाएगा। जैसा कि आप देख भी सकते हो, मैं अगर इसे थोड़ा सा जूम आउट करूं तो आप देख सकते हो कि जब सेबों की संख्या कहाँ दिखाई है, एक्स एक्सिस पे, और संतरों की दिखाई है वाई एक्सिस पे। अब देखिए संतरों की संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसे दिखा रखी है और संतरों की 2, 6, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे दिखा रखी है। तो आप देख रहे हो कि 1 पे कितने थे 10, फिर 2 पे कितने थे 7, फिर 3 पे कितने थे 5 और 4 पे कितने थे 4। तो इन सभी बिंदुओं को जब हमने ज्वाइन किया तो ये ऐसा हो गया। देखिए आपको ये बात समझ आ गई कि तटस्था समूह क्या करता है, उन सभी संभव बिंदुओं को या उन सभी संभव संयोगों को प्रकट करता है जिससे एक उपभोक्ता को क्या मिलती है, समान संतुष्टि मिलती है। और तटस्था वक्र भी वही होता है। देखिए इसका नाम ना इंग्लिश में क्या है, इनडिफरेंस कर्व का मतलब होता है असमान और इनडिफरेंस का मतलब होता है समान। तो इनडिफरेंस मतलब जिसमें डिफरेंस ना हो, यानी ए बी सी डी ई ये जितने भी पॉइंट्स हैं ए से लेकर डी तक, इन सभी में जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उनमें इनडिफरेंस है। इनडिफरेंस मतलब उसमें सेम है, जो एक उपभोक्ता को ए देगा ना सेटिस्फेक्शन लेवल, वही बी देगा, वही सी देगा, वही डी देगा। तो इसलिए इसका नाम क्या है, इनडिफरेंस कर्व। और इनडिफरेंस कर्व क्या है भाई, सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया इनडिफरेंस कर्व क्या है, इनडिफरेंस सेट का रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑन द ग्राफ। यानी इनडिफरेंस सेट जो होते हैं अगर हम उनसे एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो इनडिफरेंस कर्व होता है। और इनडिफरेंस कर्व क्या है, इनडिफरेंस कर्व यानी तटस्था वक्र क्या है, तटस्था वक्र उस वक्र को कहा जाता है जो एक उपभोक्ता के उन सभी संभव संयोगों को प्रकट करता है जो दो वस्तुओं के मध्य उसे समान संतुष्टि का स्तर देते हैं। तो ये आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हो, यहाँ पे लिख भी रखी है कि तटस्था वक्र एक उपभोक्ता के तटस्था समूह का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। देखिए मैं यही बात आपको समझा रहा हूं, ये उन सभी बिंदुओं को जोड़ने से प्राप्त होता है जो दो वस्तुओं के ऐसे सभी संयोगों को प्रकट करता है जिससे उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त होता है। तटस्था वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के एक संयोग को प्रकट करते हैं, प्रत्येक संयोग संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करता है। यही बात, देखिए तटस्था वक्र का मतलब ही है संतुष्टि का समान स्तर। यदि हमारे पास, अगर मान लीजिए मेरे पास 20 रुपए हैं जिससे मैं
संतरे भी खरीद सकता हूँ, सेब भी खरीद सकता हूँ, तो मेरे पास कौन कौन सी संभावना है, मेरे पास कौन कौन से कॉम्बिनेशन हैं सेब और संतरों के, जिससे मुझे क्या मिले समान संतुष्टि। तो मेरा एक कॉम्बिनेशन है, मैं चाहूँ तो एक सेब 10 संतरे खरीद लूँ, या फिर मैं 2 सेब 7 संतरे खरीद लूँ, या फिर मैं 3 सेब 5 संतरे खरीद लूँ, या 4 सेब 4 संतरे खरीद लूँ। अगर मैं इनमें से कोई से भी विकल्प को चुनता हूँ, जो मेरी संतुष्टि का स्तर होगा ना, वो सभी स्थितियों में समान होगा। यही बात कहता है तटस्था वक्र। तटस्था वक्र का मतलब है तटस्थ रहना। तटस्थ मतलब रहना, किनारे पे रहना, समुद्र में डूब ना जाना। आप एक समझने की बात समझिए कि ये जो उपभोक्ता है, इन सभी बिंदुओं के बीच में तटस्थ है। तटस्थ मतलब वो इनमें से किसी भी बिंदु को चुन सकता है, उससे उसको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उसकी जो संतुष्टि का स्तर है वो समान है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा इसमें जाते हैं, जूम कर लेते हैं थोड़ा, और जरा आप ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूं कि कहते हैं उपभोक्ता संतुलन की 2 अवधारणाएं, एक है गणनावाचक और एक है क्रमवाचक। गणनावाचक में उपयोगिता को संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, और जबकि क्रमवाचक में संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्रम में सजाया जाता है। या मतलब कि हम तुलना करते हैं, यानी उपयोगिता के मध्य हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, इस बात को ध्यान रखें। अब आता है ये दूसरा पॉइंट, ये मैंने वैसे ऑलरेडी समझा दिया है कि उपयोगिता की संख्यात्मक अवधारणा यानी कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी से अभिप्राय है कि उपयोगिता को इकाइयों जैसे 2, 4, 6, 8 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कि भाई यही बात तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कार्डिनल जो अप्रोच है उसमें हम जब एक उपभोक्ता के संतुलन स्तर की बात करते हैं तो हम जो उपयोगिता के हिसाब से, क्योंकि एक उपभोक्ता संतुलन स्तर पे तभी प्राप्त होगा जब वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा, और अधिकतम संतुष्टि वो तब प्राप्त करेगा जब वो उसको उपयोगिता का अधिकतम स्तर प्राप्त होगा। ये बात आप समझ सकते हो। अब देखिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि उपयोगिता की कर्मवाचक अवधारणा क्या होती है, ये भी मैंने आपको बात समझा रखी है कि भाई मैंने भी आपको ये समझा दिया। ये इसमें देखो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी से अभिप्राय उपयोगिता के क्रम से है, क्रम से है। विभिन्न स्थितियों में संतुष्टि के उच्चतम, न्यूनतम या समान स्तर के रूप में उपयोगिता की तुलना करना या इसे व्यक्त करना। देखिए इसमें हम उपयोगिता को संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं, इसमें हम संख्या के रूप में व्यक्त नहीं करते, हम तुलना करते हैं, हम बताते हैं कि ज़्यादा है या कम है या फिर समान है। आपको बात समझ में आ गई होगी। अभी मैंने आपको ये भी समझाया कि भाई तटस्था समूह क्या होता है, मैं इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। तटस्था वक्र क्या होता, तटस्था समूह क्या होता है मैंने बताया। तटस्था समूह से अभिप्राय 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के एक समूह से है जो उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करता है। संतुष्टि का एक उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करता है, और ये उन सभी विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है। कितनी, 2 वस्तुओं के बीच। ये भी आप याद रखें कि इसमें कितनी वस्तुएं होती हैं, 2। याद रखना है तटस्था वक्र में केवल जो वस्तुएं होती हैं वो 2 होती हैं, याद रखनी है अपनी बात। अब आता है तटस्था वक्र का ढलान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और विद्यार्थियों को समझने में दिक्कत भी होती है। यानी तटस्था वक्र का ढलान यानी स्लोप ऑफ IC यानी इंडिफरेंस कर्व को शॉर्ट में IC कर्व भी कहते हैं शॉर्ट में। तो देखिए भाई IC वक्र क्या है, देखिए भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा सा इसको पहले आपका बेस समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगर आपकी जेब में 20 रुपये हैं, ठीक है, आपकी जेब में 20 रुपये हैं, संतरे की कीमत 1 रुपया है और सेब की कीमत 2 रुपये हैं। आप अगर सारे के सारे संतरे खरीदते हो तो आप 20 संतरे खरीद सकते हो, और सारे के सारे सेब खरीदते हो तो आप 10 सेब खरीद सकते हो, क्योंकि सेब की संख्या 2 है और 20 को 2 से भाग करेंगे तो हमें 10 सेब प्राप्त होंगे। एक तो ये कंडीशन हो गई, या तो मैं सारे के सारे संतरे खरीद लूँ या तो फिर मैं सारे के सारे सेब खरीद लूँ। अगर मैं सेब के बदले, संतरे के बदले अगर सेब प्राप्त करना चाहूंगा, अगर मैंने मान लीजिए सारे के सारे संतरे खरीद लिए 20 रुपये के, 20 संतरे, फिर मेरे मन में आया यार नहीं यार सेब भी होने चाहिए यार, सारे संतरे तो नहीं खाऊंगा, मजा नहीं आएगा, तो मैंने क्या किया भाई, मैंने ना 4 संतरे दे के मैंने बोला भाई एक सेब दे दे, उसने एक सेब दे दिया। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात, एक सेब प्राप्त करने के लिए मैंने कितने संतरे त्याग करने
करने की मैं इच्छुक था, चार संतरे यानी एक सेब प्राप्त करने की, एक सेब प्राप्त करने के लिए मैंने चार संतरे का त्याग किया। तो ये मैंने उल्टा लिख दिया, पहले त्याग आता है फिर प्राप्त आता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात कि तटस्था वक्र का ढलान क्या होता है। एक उपभोक्ता एक्स वस्तु की इकाइयों को, अधिक इकाइयों को प्राप्त करने के लिए जितनी वाई वस्तु की इकाइयों को त्यागने के लिए तैयार होता है, इसी को हम तटस्था वक्र का ढलान कहते हैं। यही बात याद रखना, इसे ही हम सीमांत प्रतिस्थापन की दर भी कहते हैं। ये अभी मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं, जरा देखिए। वस्तु X की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे उपभोक्ता S वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए त्याग करने के लिए तैयार होता है। तो देखिए वस्तु X की इकाइयों को दर्शाता है, जो वस्तु X को प्राप्त करने के लिए Y की क्या, देखिए वस्तु Y की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे उपभोक्ता वस्तु X की एक अधिक इकाई के लिए त्याग करने को तैयार होता है, मतलब त्याग करना चाहता है। तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अगर देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं दिल्ली के पालिका बाजार गया और मेरी जेब में थे 2000 रुपये। अब 2000 रुपये की अगर मान लीजिए मैं सारे के सारे टी शर्टें लेता तो मान लीजिए मैं 10 टी शर्टें खरीद सकता था, मान लीजिए 200 रुपये की एक टी शर्ट। बट मुझे उसमें से पैंट भी लेनी थी। अब सारी की सारी मैं टी शर्ट ले लूँगा, अच्छा नहीं है, पैंट तो होगी नहीं, तो भाई क्या टी शर्ट पहन के घूमूंगा, नहीं। तो मैंने सोचा यार पैंट भी लेनी चाहिए। तो मैं बाजार में गया और मैंने बोला यार तू एक काम कर, ये 5 टी शर्ट ले ले और मुझे ना इसके बदले 2 पैंट दे दे। या मैंने बोला भाई ये ले 3 टी शर्ट ले ले और मुझे 1 पैंट दे दे। यानी 3 टी शर्ट कितने, 600 रुपये दिए और मुझे उसके बदले में 600 रुपये में एक पैंट मिल गई। अब मेरा दूसरा, देखो पहला कॉम्बिनेशन तो ये था 2000 में मैं 10 टी शर्टें खरीद सकता था, यहाँ पे पैंटों की संख्या थी 0। दूसरी बात मैंने क्या की, मैंने 3 टी शर्ट त्याग दी और उसके बदले में 1 टी शर्ट, 1 पैंट ले ली। तो देखिए मैं 3 टी शर्ट त्यागने के लिए तैयार हुआ ना, 1 पैंट के लिए। और यही जो दर है ना, इसे सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। मतलब क्या, एक वस्तु को अधिक प्राप्त करने के लिए पहली वस्तु को जितना त्याग करने, उसकी जितनी मात्रा को त्याग करने के लिए तैयार होता है। जैसे कि मैं 3 टी शर्टें त्याग करने के लिए तैयार हो गया हूँ, ये जो 3 टी शर्टें हैं ना, यही MRS है, यानी यही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी सीमांत प्रतिस्थापन दर है। आपको ये बात समझ में आई होगी। और सीमांत प्रतिस्थापन दर हमेशा तटस्था वक्र के ढलान के बराबर होती है, ये बात भी आपने हमेशा याद रखना है। तो देखिए ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, क्लियर है। अब देखिए इसे सीमांत प्रतिस्थापन की दर यानी MRS कहा जाता है, तथा इसे डेल्टा वाई मतलब क्या, पहले मेरे पास कितनी टी शर्ट थी, पहले मेरे पास टी शर्ट थी 2000 में 10, अब मैंने 3 त्याग दी तो अब कितनी रह गई भाई, बहुत ही सिंपल सी बात, अब कितनी रह गई मेरे पास, 7 रह गई। तो यानी कितना परिवर्तन आ गया, पहले 10 अब 7 यानी -3। तो ये जो -3 आया है ना, ये डेल्टा वाई की वस्तु, और फिर मुझे मिली कितनी पैंट उसके बदले में 1 पैंट। तो ये देखिए 3 ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया, माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि भाई ऋणात्मक होता है, हमें माइनस लगाना होता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, आगे ना आपको ये बात समझ, बहुत ही सिंपल है। तथा इसे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह उपभोक्ता द्वारा निर्धारित होता है, जो उसकी रुचि तथा अधिमानों पर निर्भर करता है। भाई देखिए रुचि, देखिए अब भाई मान लीजिए मैं रुचि समझाता हूँ। देखिए अगर कोई 2 वस्तुएं खरीदनी है आपको, एक पैंट खरीदनी है, एक टी शर्ट खरीदनी है, मान लीजिए आपकी रुचि पैंट, अच्छी अच्छी पैंटें पहनने में ज़्यादा है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, उपभोक्ता खुद डिसाइड करता है, ये इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होता, इसमें कोई उत्पादक या समाज का कोई भी तत्व उसकी चॉइस में कोई दखलंदाजी नहीं करता है। यानी उपभोक्ता स्वतंत्र होता है, यानी वो अपनी रुचि और अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से ये डिसाइड करता है कि कौन सी वस्तु ज़्यादा खरीदनी है, कौन सी वस्तु कम खरीदनी है। और अधिमानों ये क्या होता है, देखिए जो उपयोगिता विश्लेषण था, जो सेकंड चैप्टर था, उसमें ये माना जाता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाइयां प्राप्त करते हैं, तो उपयोगिता का जो स्तर होता है ना, जो मिलने वाली सीमांत
उपयोगिता उपयोगिता होती है वो घटती है। बट इसमें उल्टा माना जाता है, इसमें ऐसा माना जाता है कि अगर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयां प्राप्त करेगा ना, तो उसकी जो संतुष्टि का स्तर होगा ना वो भी उच्च होगा, तो उसे ही हम अधिमान कहते हैं। ये बात याद रखनी है आपने, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं तटस्था चित्र, ये क्या होता है तटस्था मानचित्र, यानी इनडिफरेंस मैप क्या होते हैं। मैंने अभी आपको इनडिफरेंस कर्व बताया, यानी ग्रुप ऑफ इनडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड इनडिफरेंस मैप। मतलब क्या, देखिए मैं इसको समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल सी बात। मान लीजिए ये है, मैं सिर्फ डायग्राम बने हुए हैं तो मैं बुक से ही दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये आप देख रहे हो, ये IC4 है, ये IC3 है, ये IC2 है, ये IC1 है। जितना ऊंचा होगा, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के जो जितना करीब होगा वो उतना ही संतुष्टि का निम्न स्तर देगा, और जो जितना ही दूर होगा वो संतुष्टि का उच्च स्तर प्रदान करेगा। यानी IC4 की जो संतुष्टि का स्तर है ना वो IC3 से ज्यादा है, और IC3 का जो स्तर है ना संतुष्टि का वो IC2 से ज्यादा है, और IC2 का जो स्तर है ना वो IC1 से ज्यादा है। सबसे अधिक संतुष्टि का स्तर IC4 का है, सबसे कम IC1 का है। तो ये बात आपको समझ आई कि कहते हैं इनडिफरेंस मैप क्या होते हैं, यानी ग्रुप ऑफ, मैंने आपको क्या कहा, ग्रुप ऑफ इनडिफरेंस कर्व इन ए वन डायग्राम, इन ए वन मैप, सॉरी इसे हम मैप ग्राफ ही कहते हैं। यानी अगर हम बहुत सारे टटस्टा वक्रों को एक ही मानचित्र पे दर्शाए, एक ही ग्राफ में दिखाए, यानी एक ही आलेख में दिखाए, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम तटस्था मानचित्र कहते हैं। मैंने थोड़ा सा एक चीज बताना आपको भूल गया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा बताना। ये पहले तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे दिखा रखा है बुक में कि तटस्था वक्र का ढलान डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, आपने देखा कि पहले वाई वस्तु की 5 से 4 दो इकाइयाँ त्याग दी, जिसके बदले में उसे 2 से 3 यानी एक अतिरिक्त मिल गई। तो देखिए 2 माइनस आया, मैंने आपको बताया ना, यानी तटस्था वक्र का जो ढलान होता है उसमें माइनस चिन्ह आता है, और नीचे क्या आया 1, यानी एक्स वस्तु की एक इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता वाई वस्तु की 2 इकाइयां त्याग करने के लिए हो गया। तो ये माइनस, ये जो 2 है ये वाई वस्तु की बता रहा है। तो MRS क्या है, MRS मतलब सीमांत उपयोगिता दर, सॉरी सीमांत प्रतिस्थापन दर, वाई वस्तु की उस इकाई को प्रदर्शित करता है जो एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए एक उपभोक्ता वाई वस्तु की इकाइयों को त्याग करने के लिए तैयार होता है। क्योंकि देखिए हमारी आयना सीमित है, हम ना दोनों का उपभोग नहीं बढ़ा सकते। अगर हम वाई का उपभोग बढ़ाएंगे तो एक्स का कम करना पड़ेगा, और एक्स का बढ़ाएंगे तो वाई का कम करना पड़ेगा, क्योंकि भैया हमारी जो उपयोगिता है ना वो सीमित है। इस बात को आपने विशेष ध्यान देना है, हमारी उपयोगिता क्या है, सीमित है। और दूसरी बात मैं आपको ये समझाना चाहता था, ये जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपको दिखा दूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उपभोक्ता का एक दिष्ट अधिमान तथा नीचे की ओर ढलान वाला टटस्था वक्र। देखिए ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है, देखिए इसको आप ये समझिए, बहुत ही सिंपल सी बात, आप ऐसा समझिए कि एक दिष्ट मान मतलब क्या है, कि अगर हम एक्स वस्तु का उपभोग बढ़ाएंगे, अगर उसका हम उपभोग बढ़ाएंगे तो हमें एक वाई वस्तु की इकाइयों का अधिक त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि आप ये बात समझिए, क्योंकि हमें संतुष्टि का स्तर क्या करना है, कम। अगर हम एक्स वस्तु का उपभोग को बढ़ाएंगे तो वाई वस्तु के उपभोग को हमें कम ही करना पड़ेगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें संतुष्टि का जो समान स्तर प्राप्त हो रहा है ना वो प्राप्त नहीं होगा, या तो अधिक प्राप्त हो जाएगा ये संतुष्टि, या तो फिर कम हो जाएगी, बट समान नहीं रहेगा। तो यही बात एक अदिष्ट अधिमान वक्र ये हमें समझाता है कि अगर आपको एक्स वस्तु का उपभोग को बढ़ाना है तो वाई वस्तु की इकाइयों का आपको त्याग करना ही पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाओगे, एक समान संतुष्टि के स्तर पे बने रहोगे। और ये भी बात बताता है कि अगर हम जिस वस्तु की जितनी इकाइयों का अधिक प्रयोग उपभोग करते हैं
तो हमें उससे अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है, ये बात बोली गई है। ये बात भी आपको समझ में आई होगी, मैं इस पर डिटेल वीडियो भी बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ शॉर्ट समरी के बारे में बात कर रहा हूं। तो इसलिए फिर भी मैंने कोशिश की है आपको अलग से, अगर आप कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि आप इसको डीप में बताएं तो मैं डीप में भी ज़रूर बताऊँगा, पर अभी थोड़ा सितंबर की वजह से मैं इसको थोड़ा सा वैसे ही बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो ये आ गया आपको समझ में कि टटस्टा मानचित्र क्या होता है। अब हम समझते हैं कि टटस्टा समूह क्या होता है। दो वस्तुओं के संभव संयोग, संभव संयोग, दो वस्तुओं के संभव संभाव्य संयोग, मुझे थोड़ी दिक्कत होती है कुछ वर्ड्स को बोलने में, का एक समूह है जब वस्तुओं की बाजार कीमत तथा उपभोक्ता की आय दी होती है। यानी बजट समूह क्या दिखाता है, यानी दो वस्तुओं के, देखिए बहुत ही सिंपल, दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करता है जो दोनों वस्तुओं की दी गई बाजार कीमत और उपभोक्ता की आय से एक उपभोक्ता क्या कर सकता है, खरीद सकता है। यानी बजट समूह के ऊपर भी उपभोक्ता खरीद सकता है, बजट समूह के नीचे भी खरीद सकता है, पर बजट समूह के बाहर नहीं खरीद सकता। तो बजट समूह में तीन बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात, दो वस्तुओं के संभव संयोगों को प्रकट करता है। दूसरी बात, वस्तुओं की बाजार कीमत को प्रकट करता है। और तीसरी बात, उपभोक्ता की आय। तो देखिए, बजट समूह दो वस्तुओं के उन सभी संभव संयोगों को प्रकट करता है जो वस्तु की बाजार में दी गई कीमत और उपभोक्ता की आय से उपभोक्ता खरीद सकता है, यानी इसके अंदर भी खरीद सकता है। आप ये बात समझेंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम दिखा देता हूँ इसका, तो आपको और भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब हम मल्टीनेशनल क्वेश्चंस करेंगे तो तब आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फिजिबल है, अटेंडेबल है कॉम्बिनेशन, और ये नॉन फिजिबल यानी नॉन अटेंडेबल है। इधर के बाहर देखिए, ये जो हमारी ए बी जो रेखा है, ये हमारी बजट रेखा है, बजट रेखा है जो कि बजट समूह से ही बनी है, क्योंकि बजट समूह के रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण को आप क्या कहेंगे, बजट रेखा ही कहेंगे। और बजट रेखा पर और बजट रेखा के अंदर वाला जो रीजन है वो अटेंडेबल है, यानी इससे एक उपभोक्ता बाजार में दी गई वस्तुओं की कीमतों और अपनी आय के हिसाब से खरीद सकता है। मान लीजिए आपके पास 2000 रुपये ही है, 2000 रुपये, आप पालिका बाजार गए, टी शर्ट का रेट है 200 रुपये और पैंट का रेट है 600 रुपये, तो भैया सिर्फ इतने आप 2000, आप ऐसा तो है नहीं कि उसकी पूरी दुकान खरीद लोगे, क्योंकि उतने तो पैसे भी नहीं है जेब में आपके, और वही उतने सारी वस्तुओं का आपकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी। तो नॉन फिजिबल पार्ट, या तो उपभोक्ता बजट रेखा के ऊपर किसी भी संयोग को प्राप्त कर सकता है या इसके भीतर, बट इसके बाहर नहीं कर सकता। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, बजट समूह भी आ गया आपको समझ में। अब आता है बजट रेखा या कीमत रेखा। वह रेखा है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिसे अपनी दी हुई आय और वस्तुओं की दी गई बाजार कीमत पर उपभोक्ता खरीद सकता है। ये वही बात है बजट समूह। देखिए, बजट समूह भी दो वस्तुओं के उन सभी संभव संयोगों को प्रकट करता है जिससे उपभोक्ता अपनी आय और दी गई बाजार कीमत पर खरीद सकता है। अगर इसी बजट समूह का अगर आप रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण कर दे तो वो बजट रेखा बन जाती है। यानी बजट रेखा या कीमत रेखा उन दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है, उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिसके माध्यम से एक उपभोक्ता अपनी आय और बाजार में दी गई कीमत पर खरीद सकता है, उससे बाहर नहीं खरीद सकता। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बजट रेखा या कीमत रेखा का ढलान, स्लोप ऑफ बजट लाइन या प्राइस लाइन। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। देखिए यहीं पे आप सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, क्योंकि हमने इस चैप्टर में बेसिक सबसे मेन बात क्या सीखनी है, हमने ये सीखनी है कि उपभोक्ता संतुलन की प्राप्ति हम टटस्टा वक्र के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। तो टटस्टा वक्र में बहुत इंपॉर्टेंट बात है सीमांत प्रतिस्थापन दर, जिसे हम MRS बोलते हैं, जिसे हम टटस्टा वक्र का ढलान भी कहते हैं। अब दूसरा है कीमत रेखा का ढलान। देखिए ये दोनों ढलान अगर बराबर होंगे ना, और टटस्टा वक्र मूल बिंदु के नतोदर होगा, ये बताऊंगा कि उन्नोतर क्यों होता है, अभी ये बताऊंगा सारा, वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। देखिए अब बात करते हैं हम इसमें इसकी की ये बात करते हैं कि भाई ढलान की बात करते हैं। उस दर को दर्शाता है जिस पर बाजार कीमत उपभोक्ता को वस्तु एक्स के लिए
एक्स वाई के लिए वस्तु एक्स का प्रतिस्थापन करने की अनुमति देती है, इसे पी एक्स अपॉन पी वाई। देखिए यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आपने तटस्था वक्र का ढलान देखा तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी, वाई वस्तु ऊपर थी और जब हम कीमत रेखा की बात कर रहे हैं तो वाई वस्तु नीचे है, यानी वाई वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है ना वो नीचे है और जो एक्स वस्तु में है वो ऊपर है। देखिए ये बात समझ में आ गई आपको कि उस दर को दर्शाता है जिस पर बाजार कीमत उपभोक्ता को y के लिए x का प्रतिस्थापन करने की अनुमति देती है, यानी x की। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल सी बात है ये। अब देखिए ये बात है सबसे इम्पोर्टेंट कि उपभोक्ता का संतुलन स्तर। देखिए एक उपभोक्ता यानी उपभोक्ता अपना स्टम चेन तब प्राप्त करता है, यानी ऑप्टिमम चॉइस कैसे प्राप्त करता है और कब संतुलन में होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं भी डायग्राम भी दिखाऊंगा इसको, पर अभी आप इतना मोटे मोटे तौर पे समझिए। MRS मतलब क्या है, मतलब है तटस्था वक्र का ढलान, और तटस्था वक्र का ढलान किसके बराबर होता है, सीमांत प्रतिस्थापन दर के बराबर। और ये है पी एक्स अपॉन पी वाई, जिसका मतलब है कीमत रेखा का ढलान या बजट रेखा का ढलान। ये दोनों ढलान जब एक दूसरे के समान होते हैं ना तब एक उपभोक्ता क्या होता है, अपने संतुलन स्तर पे होता है। और दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त यह है कि तटस्था वक्र मूल बिंदु के उन्नोतर होना चाहिए, यानी कॉनवेक्स होना चाहिए। मतलब क्या, देखिए इसको ऐसे समझिए, ये ऐसा होता है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए आप ऐसे समझिए, एक उपभोक्ता जो होता है ना वाई वस्तु की अधिक मात्रा को प्राप्त करने के लिए तैयार होता है शुरुआत में, जिसके लिए वो वाई वस्तु की अधिक इकाइयों के लिए तैयार भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक सेब के बदले में चार संतरे तैयार करने के लिए तैयार हो गया और अब अगला सेब यानी दूसरा सेब प्राप्त करने वाला हूं ना, तो मुझसे पूछा गया हाँ भाई कितने संतरे तू त्याग कर सकता है, मैंने कहा भाई पहले तो चार के थे, अब तो भाई मैं तीन ही कर सकता हूं या दो ही कर सकता हूं या फिर भाई एक ही करूंगा। तो मतलब क्या है, मतलब यह है कि उपभोक्ता जो होता है लालची होता है, आपको पता है हर, क्योंकि उपभोक्ता हो उत्पादक हो या समाज हो, तीनों ही अपने स्वहित का पीछा करते हैं, स्वहित यानी सेल्फ प्रॉफिट का पीछा करते हैं, यानी उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि का पीछा करता है, उत्पादक अधिकतम लाभ का पीछा करता है और समाज अधिकतम सामाजिक कल्याण का पीछा करता है। तो देखिए उपभोक्ता एक्स वस्तु की अधिक इकाइयां प्राप्त करना चाहता है परंतु वाई वस्तु को कम त्यागना चाहता है। आपको ज्यादा से ज्यादा पैंट तो चाहिए पालिका बाजार में, बट उसके बदले में आप टी शर्ट कम ही त्यागना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार पैंट भी मिल जाए और टी शर्ट भी कम जाए। तो इसी वजह से जो तटस्था वक्र होता है वो मूल बिंदु के उन्नोतर होता है, उन्नोतर होता है, जिसे हम कॉन्वेक्स कहते हैं। अब इसको मैं कैसे समझाऊं, देखिए बहुत ही सिंपल, शुरुआत में उसने ज्यादा त्याग दिया और कम यूनिट मिली, अगली बार में वो कम त्यागेगा तो देखिए इस तरीके से जाएगा। अगर उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के कॉनकेव होता है यानी नतोदर होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि एक्स वस्तु का अधिक उत्पादन करने के लिए वाई वस्तु की अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ता है, इस वजह से। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, मैं इसको डायग्राम दिखाता हूं तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। देखिए यहां पे देखिए, पहली बात MRS यानी सीमांत प्रतिस्थापन दर, यानी सीमांत प्रतिस्थापन दर बराबर होती है कीमत रेखा की, पहली बात संतुलन की स्थिति में तटस्था वक्र मूल बिंदु के नतोदर होता है। तो देखिए ये जो डायग्राम है, तो आप ये देख रहे हो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, ये हमारी पी क्यू क्या है बजट रेखा, और यहां पर देखिए अगर मैं इस आईसी कर्व को देखूं तो आईसी कर्व में किसी भी बिंदु पर एक उपभोक्ता को क्या मिल रही है भाई, संतुष्टि मिल रही है समान, कोई सा भी बिंदु वो चॉइस करे, कोई सा भी बिंदु। और पी क्यू क्या दर्शा रहा है, पी क्यू ये बता रहा है कि उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की बाजार कीमतों पर उपभोक्ता इसके अंदर या इस पर खरीद सकता है, इसके बाहर नहीं खरीद सकता। बिल्कुल सिंपल सी बात होगी, आपको समझ में आ गई। तो आपने ये देखा कि केवल ई बिंदु ऐसा बिंदु है जिस पर तटस्था वक्र का ढलान और कीमत रेखा का ढलान दोनों ही क्या है, समान है। यदि मतलब क्या,
मतलब ये कि जब एक उपभोक्ता वस्तु वाई की 30 इकाइयां और वस्तु एक्स की 15 इकाइयां यानी 15 30 ये वाला कॉम्बिनेशन चुनता है, ये एक्स है ये वाई है, जब भी हम आलेख में दर्शाते हैं तो पहले एक्स फिर वाई, इस कॉम्बिनेशन में एक उपभोक्ता क्या कर रहा है भाई, इसे संतुष्टि का स्तर तो सारो सब ऐसी पूरे कर्म में हो रहा था, बट यहाँ पे उसको एक एडिशनल बेनिफिट हो रहा है कि अगर वो ये कॉम्बिनेशन चुनता है तो उसको संतुष्टि का समान स्तर तो प्राप्त होता ही होता है, साथ में अब वस्तु की बाजार कीमत और उसकी आय के हिसाब से उस वो अपनी आय का क्या कर रहा है, अधिकतम उपयोग कर रहा है, जिसे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है, यानी वो क्या है संतुलन के स्तर पे है। मतलब क्या, इसका मतलब है कि अगर मैं इसे सेब मान लेता हूं और इसे मैं संतरे मान लेता हूं, अगर वो 15 सेब खरीदता है, सेब कितने का था, 1-2 रुपए का था, यानी 30 रुपए हो गए, और संतरे कितने खरीद रहा है, 30, 1 रुपए का संतरा था, कितने हो गए 30, उसका बजट कितना था 60 रुपए, यानी वो ये 60 रुपए जो उसकी सीमित आय है वो एक्स और वाई पर इस प्रकार व्यय कर रहा है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो ये कैसे प्राप्त होगा, बहुत ही सिंपल सी बात, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में आपका क्या है, जो कीमत रेखा का ढलान है और जो तटस्थ वक्र का ढलान है वो दोनों समान है, और इस बिंदु के बाद, इस ई बिंदु के बाद आप देख रहे हो कि तटस्थ वक्र ऐसे उठ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की ओर तरफ जा रहा है, मतलब ये है कि उपभोक्ता एक्स वस्तु का अधिक उपभोग करना स्टार्ट कर देता है वस्तु वाई के कंपेरिजन में। ये बात आपको समझ में आ गई, उन्नोतर है, उन्नोतर यानी कॉनकेव है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई, अगर आप चाहते हैं कि मैं तटस्थ वक्र पर और भी डीप में वीडियो बनाऊं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर बनाऊंगा। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा है, वीडियो काफ़ी 50 मिनट के करीब का हो गया है, बट देखिए आपको कम से कम 1 घंटा, ये मैंने बहुत सारी बातें नहीं बताई हैं, क्योंकि मैं अगर थोड़ा बहुत भी बताता हूँ तब भी 50-60 मिनट की वीडियो बन जाती है, तो मैं अभी मेरे पास इतना नेट का वो नहीं है कि मैं बड़ी वीडियो बना पाऊँ, बट आई एम श्योर कि इन फ्यूचर मैं आपको 2-2, 2.5-3 घंटे की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हमेशा कि विक्की की पाठशाला को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भविष्य में आपको ये चैनल बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत, और अगर आप अभी तक वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आपका तहे दिल से मैं आभारी हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।